नमस्कार, आज हम लोग पूर्वांग उत्तरांग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पूर्वांग और उत्तरांग शब्दों का प्रयोग होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है कि पूर्व अर्थात पहला भाग और उत्तर अर्थात दूसरा भाग या उसके बाद का भाग होता है। अंग का अर्थ हिस्सा या भाग होता है, अर्थात यह इस प्रकार से पूर्व प्लस अंग पूर्वांग और उत्तर प्लस अंग बराबर उत्तरांग शब्द बनते हैं। अब भारतीय संगीत में इसका अर्थ और प्रकार हम आगे समझेंगे। सबसे पहले सात स्वरों को लिखेंगे, सा रे ग म प ध नी, और अंत में सा को जोड़ करके तार सप्तक के आठ स्वर कर लेंगे। और अब इन स्वरों को हम दो बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी पहला भाग सा रे ग म और दूसरा भाग पा ध नी सा। अब इस पहले भाग को हम जो सा रे ग म चार स्वर हैं, इन्हें हम पूर्वांग कहेंगे, और जो दूसरा भाग है पा ध नी सा चार स्वर का, उसे हम उत्तरांग कहेंगे। तो ये पूर्वांग और उत्तरांग यानी सप्तक के दो भाग हैं जिसे हमने अष्टक बना लिया। और कभी कभी यह भी बताया जाता है कि पूर्वांग वादी राग, अर्थात जिस राग का वादी स्वर पूर्व अंग यानी सारेगामा में से स्थित है, तो उसे पूर्वांग वादी राग कहते हैं। और यदि किसी राग का वादी स्वर उत्तरांग यानी पाधनिसा में है, तो उसे उत्तरांग वादी राग कहते हैं।